मेरे किसान भाइयों, 3 फरवरी को आपने इसी क्रांतिकारी माटी पर, इसी इलाके की माटी पर आप लोगों ने एक महापंचायत करके सरकार को यह दिखा दिया था कि यह किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसान आंदोलन हरियाणा के कोने कोने में पहुंचा हुआ है। और 3 तारीख की उस पंचायत के बाद हरियाणा सरकार ने सेंटर से हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मांगी थी और हरियाणा में बुला ली थी। पिछले 1 महीने से हरियाणा में जो सरकार द्वारा दमन करने का प्रयास किया जा रहा है, उस दमन करने के प्रयास के बावजूद, अनेक समस्याओं के बावजूद, आज आपने सबने यहां पर पहुंच कर यह दिखा दिया कि भाई शिवकरण सिंह अकेले पंजाब के नहीं, अकेले बठिंडा के नहीं, प्रदीप है, बल्कि पूरे भारत के और पूरे हरियाणा के किसानों के शहीद हैं। मेरे भाइयों, वो दो बहनों का इकलौता भाई, वो 22 साल का नौजवान, उसने अपने किसी निजी स्वार्थ में अपनी कुर्बानी नहीं दी। पिछले आंदोलन में जितने साथियों भाइयों ने कुर्बानी दी, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ में कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी कि पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। उन्होंने कुर्बानी दी कि पूरे देश के किसान और मजदूरों का कर्ज माफ होए। उन्होंने कुर्बानी दी ताकि पूरे देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसलों का भाव मिले। मेरे भाइयों, उन्होंने जब कुर्बानी पूरे देश के लिए दी है, तो पूरे देश के किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शहादत को भूलना नहीं है। और यदि शिवकरण सिंह को और उन सारे साथियों किसानों को अगर सही मायनों में शक्ति शादी करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि जिन 12 मांगों को लेकर यह आंदोलन चला रखा है, ये 12 की 12 मांग पूरी करानी है। चाहे 1 साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ, 5 साल लग जाओ, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रखना है और आंदोलन जारी रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लगभग 1 महीने बाद बॉर्डर छोड़ के अपने लोगों के बीच आए हैं, अपनी मंडी के बीच आए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता वो 1 महीना, उस महीने का 1-1 घंटा, 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड अपने लोगों से दूर रहना हमारे लिए तो मुकरने के बराबर था। लेकिन हमने देखा एक चीज सीखी 12-13 सालों में कि व्यक्ति का बड़ा संगठन है, संगठन का बड़ा बड़ा मोर्चा है और बड़े मोर्चे का बड़ा बड़ा आंदोलन है। अगर ऐसा कोई भी काम जिससे हमारे आंदोलन में नुकसान होता हो, बेशक हमने किसी तौर पर फायदा होता हो, उस काम में हम नहीं करेंगे। हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारे आंदोलन में फायदा होता हो, उस काम पे बेशक हमें या हमारे संगठन में नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम वो करेंगे जिससे हमारा आंदोलन मजबूत हो और आंदोलन जीत की तरफ जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, सरकार की पहले दिन से यह मंशा नहीं है, सरकार की पहले दिन से यह कोशिश नहीं है कि इस आंदोलन को सबसे पहले पंजाब तक सीमित किया जाए, उसके बाद सिर्फ सिख भाईचारे तक सीमित किया जाए, और उसके बाद धीरे धीरे या सरकार इसे खालिस्तानी आंदोलन बढ़ाकर इसमें बदलाव करना चाहे है, या साथी सरकार की पहले दिन से चल रही है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना आपसे, अगर हम चाहते हैं कि आंदोलन जीता जाए, अगर हम चाहते हैं कि मोर्चा फटा हो, तो मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा में टोटल 7,356 गांव है, मैं प्रार्थना
फैसला करता हूँ कि हर 10 गांवों में एक गांव, मतलब कम से कम 735 गांव के टेंट, तंबू, शंभू, खमोरी, दबवारी, फतेहाबाद इन मोर्चों पर लगने चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है, जो आंदोलन के लिए हरियाणा में लड़ा वो आंदोलन का पहाड़े है, जो आंदोलन के लिए पंजाब में लड़ा वो आंदोलन के नहीं जीत पाए, लेकिन जो आंदोलन हरियाणा और पंजाब में मिलकर लड़ा वो आंदोलन हम हर हाल में जीते हैं, वो सरकार के कोटे कटवाए हैं। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, कोई भी मीडिया पे चंदा दिखा रहे हो लेकिन ये आंदोलन तमिलनाडु में भी है, ये आंदोलन कर्नाटक में भी है, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी है, ये आंदोलन हर भारत के हर किसान के मन मन में उसके दिल में है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गो, बहुत दिनों से एक सवाल मन को परेशान कर रहा है, वो सवाल आपने भी परेशान कर रहा होगा। हमारे देश में बहुत संगठन है, हमारे देश में बहुत आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन आखिर सरकार इस 13 फरवरी वाले आंदोलन पे इतनी क्यों बढ़ रही है? सरकार आखिरकार इस 13 फरवरी का दूसरा आंदोलन का जो कई गोलियां क्यों चला रही है? आखिर सरकार 13 फरवरी के जुड़े आंदोलनकारियों के ऊपर ही झूठे पर्चे क्यों कर रही है? सिर्फ इन्हीं के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है? सिर्फ इन्हीं के ऊपर जहरीली गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? जो सवाल आपके मन में भी होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, कोई भी आंदोलन जिसमें सिर्फ भीड़ होगी सरकार उस पर नहीं रहेगी, कोई भी आंदोलन जिसमें सिर्फ विचार होगा सरकार उस पर नहीं रहेगी, कोई आंदोलन जिसका नेतृत्व करने वाले बीच का रास्ता निकालने वाले नेता होंगे सरकार उस पर नहीं रहेगी। सरकार सिर्फ उस आंदोलन पर रहेगी जिसमें विचार होगा, जिसमें लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन होगा और जिसका नेतृत्व है बीच का रास्ता निकालने वाला नहीं, जिसका नेतृत्व है वो लोग कर रहे हो जो मजबूती का अपना स्टैंड कायम रखते हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सरकार ने बहुत कोशिशें करी, मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने यहां तक कोशिश करी कि सरकार ने अपनी तरफ से कुछ आदमी भेजे, वो आदमी आए मिलन के नाम पाए और बोले कि भाई साहब बताओ कि एडजस्टमेंट करानी है, जो एडजस्टमेंट कहोगे, वो एडजस्टमेंट करा देंगे, जो बात एक बार खोलो तो सही। हमने उनको एक बात कही कि आज तक गलती में आप बात लेकर आगे हो, लेकिन एक बात समझ कर दे, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के भीतर किसी को एक करेंसी नहीं बन रही जो इस दोनों मोर्चा के नेताओं ने खरीद के दिखा दे, किसी को एक करेंसी नहीं है जो इस आंदोलनकारी किसानों को खरीद दे। दूसरी बात, एक बार हमारे पास यह भी आई कि भाई आप हरियाणा के जो किसान नेता हो, हरियाणा के जो किसान संगठन हो, जो इस आंदोलन में शामिल हो, आप पक्ष रख जाओ, आप दूर रख जाओ, आप कहोगे तो हरियाणा खाते को अलग का घोषणा कर देंगे। हमने कहा कि यह बात अकेले हरियाणा के किसानों की नहीं है, यह बात पूरे देश के किसानों की है। और किस पंजाब ने हमें आंदोलन करना सिखाया, किस पंजाब के किसानों ने आंदोलन को मजबूत किया, उन किसानों का साथ हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। क्या हमने कितने नुकसान उठाना पड़ गया, क्या हमने बैठे फांसी के फंदे में बैठना पड़ो, लेकिन जो यह एकता बनी है पंजाब और हरियाणा के किसानों की, इस एकता को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आंदोलन में इतना क्या हासिल करा,
मैं आपने छोटी सी बात बता दी, 20 तारीख में, 20 फरवरी में ऑक्सीजन में भारत सरकार ने पूरे देश में किसानों का गन्ने का रेट जिसने एफआरपी बोले हैं वो 25 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने का आदेश करा। बताओ क्या नहीं करेगा हाथ पकड़ के बताओ सारे के साथ। 20 फरवरी में 25 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का रेट पूरे देश में बढ़ाया। उसके बाद 22 तारीख में हरियाणा की सरकार ने ऐलान किया कि हरियाणा में जितना भी सोसाइटियों का कर्ज है वो सारे का सारा जो कर्ज का ब्याज है वो सारा ब्याज माफ किया जा रहा है, पेनल्टी माफ करी जा रहे हैं। इस सरकार ने 26 तारीख को जब अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई वो इस सरकार ने आपके आंदोलन के दबाव में भारत समेत 47 देशों ने लेटर मूव किया कि जो अभी भारत में 10% फसलों की खरीद हो रहे हैं जो डब्ल्यूटीओ ने टेम्परेरी नियम बना रखा है उस नियम को परमानेंट किया जाए। यह बात भारत सरकार ने लिख के डब्ल्यूटीओ में देनी पड़ी, जो देनी पड़ी मेरे भाइयों, जो कि आपके आंदोलन का दबाव है इसलिए यह चीज लिख के देनी पड़ी। साथियों, सोशल मीडिया बहुत सारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट सबके बंद कर दिए गए। मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूं, छोटी छोटी दो तीन बातों को बताना चाह रहा हूं। 21 फरवरी को जब हमारे भाई शुक्रण सिंह को गोली मारी गई खरौली बॉर्डर पर, यह चीज सारे ध्यान पर सुनियो कि किस तरीके से देश के नेता के साथ व्यवहार किया गया। 21 तारीख से 11 बजे हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का प्रोग्राम था, शंभू बॉर्डर पर हमारे नेताओं का संदेश आया कि भाई अभी नहीं बढ़ना, सरकार की तरफ से कोई बात आ रही है जब तक हम संदेश ना दे आपने आगे नहीं बढ़ना। बुजुर्गो, लाखों की संख्या में किसान शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे, हम मंच के ऊपर थे, कोई किसान आगे नहीं बढ़ रहा था। अचानक से 12:15 बजे प्रशासन की तरफ से एक साथ सैकड़ों जहरीली गैसों के गोले हमारी तरफ फेंके गए। जिस भाई शुक्रण सिंह को गोली मारी गई वो पुलिस के बैरिकेटों से 2 एकड़ दूर गेहूं के खेत में खड़ा था। पुलिस का काम हुए है अपने बैरिकेटों की रक्षा करना, लेकिन इन्होंने 2 एकड़ दूर जाकर हमारे भाई शुक्रण सिंह के सर में गोली मारी 2 एकड़ दूर जाकर। उसने कम से कम सैकड़ों भाई अकेले खरौली बॉर्डर पर घायल हुए, 5-6 भाइयों का गोली लागी। जब भाई शुक्रण सिंह का गोली लागी, मैं और लखविंदर सिंह औलख जी हम बिल्कुल आगे खड़े थे, मेडिकल कैंप के दौरे खड़े थे। 3 भाई शुक्रण सिंह ने अपने कंधे पर लेकर आए हमारे सामने उस मेडिकल कैंप वाली खाट पर उसको लिटाया, उसकी छाती लगाने की कोशिश करी और इस भाई का सांस लग गया, लेकिन उस भाई का कोई भी शरीर का कोई भी अंग नहीं रहा। हमारे हाथों में था वो भाई एम्बुलेंस में गया और 20 मिनट बाद से बहादुर संदेश आ गया कि भाई वो हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। मेरे बुजुर्गो, जब यह कार्रवाई पुलिस ने शुरू करी उससे पहला पुलिस की तरफ से कुछ लोग सिविल ड्रेस में खड़े होकर न्यू सातों पर हाथ मारे थे और के नारे दे रहे थे और जय श्री राम जय श्री राम जय माता की ये नारे दे रहे थे। ये करके लोग उकसाने की कोशिश कर रहे थे। अरे राम तो हमारा था, मारा किसान खेत में जावे जब भी कहे ले राम का नाम, कोई बात रख जाए जब भी कहे चलो भाई राम भरोसे हैं। जब आदमी अंतिम यात्रा पर शमशान में जावे जब भी कहे कोई राम नाम सत्य है, लेकिन ये होने आज जय श्री राम के नाम पर दूसरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद 3 बजे दोबारा से पुलिस वाले गुंडे सिविल ड्रेस में
किसानों के मोर्चे के बीच में आए 25 साल के प्रीतपाल सिंह को, जो अपनी ट्रॉली में अपने ट्रैक्टर पर बैठा था, उसको नीचे गिरा कोरे में डाल के, मेरी माताओं बहनों कोरे में डाल के सारे लोग उसके लठ मारे, सारे लोग उसके सूए मारे और कसीब के लिए गए। वो तो धन्यवाद हो आदरणीय प्रदेश सिरसा जी का कि वो रात के 12 बजे हाईकोर्ट का आदेश लेकर रोहतक गए और उस भाई ने वापस लाए, नहीं तो उस भाई ने भी मारने में कोई कोर्ट कसर नहीं छोड़ी थी। आपके हिसार का, आपके नागनौंद का भाई जगबीर बेरवाल माजरा से जो शांतिपूर्ण तरीके लाके खड़ा था, कम से कम इसका 50 थर्रे लाके, कम से कम 50 थर्रे इसकी आंख में थर्रे लाके और जब आंख में खून पड़ा था तो एक बार इस बात की चिंता इतनी होगी थी और भाई एक भाई का और कड़ा पता नुकसान हो गया, लेकिन उस परमात्मा का आशीर्वाद है ये भाई की आंख बच गई। वो गुरलाल सिंह जो पटियाला के हॉस्पिटल में एडमिट है, जो जहरीली गैस के गोले थे, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, आज हॉस्पिटल में उसके हाथ और पैर बांध कर उसको एडमिट कर रखा है। इस तरह की जहरीली गैस का इस्तेमाल करी गई जो 1993 से पूरी दुनिया में बैन है, एकदम तक फेफड़े की हवा बंद करते थे, पेट वाल के दो भाइयों के चोट लगी, मोट के भाई का गोली लगी, भाइयों के चोट लगी, जीन जिले के भाइयों के चोट लगी, लेकिन सारे साथी मजबूती तक खड़े रहे। मेरे भाइयों, जो जुल्म इन्होंने हमारे ऊपर किया है, हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी बने हैं कि इस जुल्म की इंतहा भारत के कोरे कोरे तक लेकर जावे। और जब ये भाजपा वे वोट मांगने आपके गांव में आओगे तो शांतिपूर्ण तरीके से उस भाई शुभचंद्र सिंह की फोटो लेकर इनकी सभा के भीतर चलियो, और जब वो बात पूरी कर ले तो एक हाथ में भाई शुभचंद्र की फोटो और उनसे सवाल पूछियो कि इस 22 साल के नौजवान का कसूर क्या था। यो तो प्रधानमंत्री जी ने उनके खुद के वादे यहां और जाना चाह रहा था, क्यों इस भाई के गोली मारी, क्यों आपने एमएसपी का कानून नहीं बनाया, क्यों आपने किसानों की कर्ज माफी नहीं करी, ये सवाल आपने बीजेपी वाले से पूछ रहे हैं जब भी आपके गांव में आओगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दो, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? देखो तुम्हें भावनाओं में बह जाओ, भावनाओं में मत बनो, सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब नहीं देगा ना, सवाल का जवाब नहीं दे तो रोज में काली झंडी होनी चाहिए, वो काली झंडी भी दिखानी है, लेकिन दिखानी है शांतिपूर्वक तरीके। जो भाई ने एक बात की, भाजपा या भाजपा की कोई भी सहयोगी पार्टी जो इनकी गैला पार्टी है, चाहे दुष्यंत की आ जाए और किसी की आ जाए, सबकी गैला सवाल जवाब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एक पत्रकार ने पूछा कि आप आंदोलन भाजपा ने नुकसान को कार्य खातर कर रहे हो, हम इस बात कह रहे हैं कि ना तो किसी पार्टी का फायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे, ना किसी पार्टी का नुकसान पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे, लेकिन जो पार्टी हमारे किसानों के ऊपर गोली चलाओगी, किसान उसी भाषा में चुनाव के दौरान उस पार्टी को जवाब देगा, और जो इनका मूल है ना, मूल में प्याज जोड़ के बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को जवाब दे रहे। साथियों, अगर मैं एक बात कहना चाहूं, इस आंदोलन में सैकड़ों झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए,